नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि तरनजीत सिंह सिंधु को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो तरनजीत सिंह सिंधु को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट है कि गांधीनगर में आयोजित 3रे ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट आता है कि किस शहर में पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? तो कौन से शहर में किया जा रहा है अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? तो ये कोलकाता में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? तो सबसे बड़ा जो हथियार बनाता है वो कौन है? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि शिव भोजन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो शिव भोजन योजना महाराष्ट्र के अंतर्गत शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है कि बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बोडो जनजाति है असम। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि भुवन पंचायत 3.0 पोर्टल किस संस्थान ने विकसित किया है? तो भुवन पंचायत ये पोर्टल जो विकसित किया है संस्थान ने, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है टाइलर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो टाइलर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं पवन सुखदेव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि आलू की सर्वाधिक पैदावार करने वाला राज्य कौन सा है? तो आलू की सर्वाधिक पैदावार करने वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट आता है कि जल शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो जल शक्ति मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1946 में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटीज़ का रिपोर्ट कार्ड कब जारी करने जा रही है? तो केंद्र सरकार स्मार्ट सिटीज़ का रिपोर्ट कार्ड है वो जून 2020 में जारी करने जा रही है, यानी जून 2020 में उन्होंने जारी किया है स्मार्ट सिटी का रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट आता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22वीं सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आने के चांसेज इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोरोना वायरस का क्वेश्चन है ये कि किस वायरस के चलते WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? तो कोरोना वायरस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट आता है कि विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत हुई है तेलंगाना में। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि विदेशी क्लब से फुटबॉल का प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उस महिला का नाम है बाला देवी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट आता है कि इस साल महात्मा गांधी की जो हमने पुण्यतिथि मनाई वो कौन सी थी? तो वो 72वीं थी। नेक्स्ट आता है कि टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की है? तो टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है हैदराबाद से। नेक्स्ट आता है कि टॉमटॉम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान को किस काल के शब्द के रूप में चुना है? तो संविधान को किस काल के शब्द के रूप में चुना है 2019 में, सबसे ज़्यादा इस संविधान शब्द है इसको चुना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बाकी के पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।